जुलाना के बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को वितरित किए गए 145 टैबलेट। जुलाना के बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को आज टैबलेट वितरित किए गए। जुलाना के बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव में 145 बच्चों को टैब आज वितरित किए गए। बच्चों ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो टैब उन्हें वितरित किए गए हैं उनसे उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बीते थे उसमें उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई थी और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। टैबलेट से उन्हें काफ़ी फायदा अब मिलेगा और वह अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो हमारी कक्षा में डाउट रह जाते थे वह अब हम अध्यापक से आसानी से पूछ पाएंगे, जिसके चलते उनका परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा। इससे आने वाले भविष्य में बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा। यह टैबलेट हमारी शिक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। स्कूल के प्रिंसिपल सत्यवान ने बताया कि जो टैब हरियाणा सरकार की तरफ से बच्चों को दिए जाने थे वह कार्य आज पूरा हो गया है। आज 145 बच्चों को टैब वितरित किए गए हैं। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, उनको काफ़ी अब टैब से फायदा मिलेगा और अपना जो स्कूल का काम है वह भी वह समय पर कर पाएंगे। बच्चों को टैब लेने में आज काफ़ी उत्साह नजर आया। दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हमारे पिछले 2 साल कोरोना काल में बीते थे जो उनमें हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी और न ही हमारी पढ़ाई हमने एग्ज़ाम को ऑफलाइन दिया था, और लेकिन टैबलेट मिलने के बाद हम इससे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इससे हमें जो हमारे क्लासेस में डाउट रह जाते हैं हम सर से नहीं पूछ पाते, टाइम नहीं बचता, तो वो हम अपने टैबलेट से पूछ सकेंगे और अपने दसवीं कक्षा का परिणाम बहुत अच्छा होगा हमारा, क्योंकि हमें टैबलेट मिले हैं शिक्षा विभाग की तरफ से और इससे हमारे भविष्य को बहुत ही अच्छा लाभ होगा, क्योंकि टैबलेट हमारे बहुत ही काम आएंगे। कोरोना काल में हमारी जो पढ़ाई बाधित हो गई थी उसे जो टैब मिले हैं इससे हम अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकेंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि घर पर जो पहले फ़ोन था उसके लिए मतलब कभी वो बाहर चले जाते थे उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था, अब हमें जो भी पढ़ाई में डाउट होगा हम वो जल्दी से उसे सॉल्व कर सकेंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। ये फायदा होगा जैसे पिछली बार कोरोना आया था तो हमारी जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो रुक गई थी और जो ऑफलाइन शिक्षा होती थी वो भी रुक गई थी, तो इससे ये होगा कि हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और जो भी हमारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, इससे कि जो भी हम समझना चाहते हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं। या हमारे घर पर ये होता है कि कभी कभी हमें फ़ोन मिलता नहीं मिलता है, इससे ये होगा कि हमारे पास 24 घंटे फ़ोन होगा और हम कभी कुछ भी डाउट अपना होगा वो क्लियर कर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो इससे बच्चे जो हमारे कोविड में जैसे पेंडेमिक आई थी उसके जो घर पे रह के उनको पढ़ाई करनी थी तो वो पूरी तरह से बाधित थी, पढ़ाई बच्चे कर नहीं पा रहे थे। टैब से क्या होगा कि बच्चे घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी हमारा मतलब ऑनलाइन जितना भी मटेरियल है स्टडी मटेरियल उसको देख सकते हैं और उससे अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। आज शिक्षा विभाग की तरफ से जो टैबलेट वितरण किया गया है वो टैब हमने बच्चों में वितरित किए हैं और शिक्षा विभाग ने ये जो टैब वितरित किए हैं ये बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं और इससे बच्चों को जैसे छुट्टियां हैं या जैसे आपदा आई थी उसमें जो बच्चों का पढ़ाई का लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए ये रिमेडियल जो आइटम दिया गया है और इससे बच्चे कनेक्ट होंगे, तो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होंगे, दूसरा उनको पढ़ने के सुलभ और सक्षम साधन उपलब्ध भी होंगे। हमारी तरफ से भी टीचर्स की तरफ से भी बच्चों को इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़कर गेन कर सकें। बच्चों को टैब बांटे गए हैं, अब हरियाणा सरकार की तरफ से जो वितरण का कार्य दिया गया है वो आज सम्पन्न हो गया है। लगभग यानी 145 बच्चों को टैब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और कोरोना की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी पढ़ाई में, तो अब उनको काफ़ी फायदा होगा, इसको देखते हैं बच्चे काफ़ी उत्साह में हैं। भाई दोस्तों जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी।
उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।